नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीप राम महावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज आपका फिर से जो हमारे जो घर का बगीचा है, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ इसी घर के ही बगीचे में बनाता हूँ। हमने इसमें 150 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, वह टॉपिक का नाम है जिंदगी जिंदगी की शाम ढलने को है, सावधान। तो इसमें जो जो टॉपिक है आज के जो टाइम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है कि जो पति पत्नी होते हैं, जो वो आए दिन किसी छोटी छोटी इश्यू को लेके उनमें झगड़े होते रहते हैं। मेरे भी कई जो वकील हैं मेरे जान पहचान के, तो वो मतलब उनसे कई बार मेरी बात होती रहती है कि जो कोर्ट के अंदर जो आजकल जो केसेस जो आ रहे हैं वो बिल्कुल ही नॉर्मल, जैसे छोटी सी कोई गलती हो गई, जैसे माना कि पति ने जूते यहाँ उतार दिए या तौलिया वहाँ रख दी, या पत्नी ने जैसे कोई नमक कम डाल दिया या मिर्ची ज़्यादा डाल दी। मैंने तो ये बिल्कुल आंखों से देखा है कि एक जो आदमी परिचित थे मेरे, तो कई बार उसकी जो धर्मपत्नी थी उससे कई बार जो थोड़ा सा नमक कम डल जाता था या जीरा थोड़ा सा जल जाता था या जो भी हल्की फुल्की जो गलती हो जाती थी, तो उसके पास में जो भी सामान होते थे वो उसके मतलब उठा के ऐसे मारता था। तो आजकल क्या है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर होते हैं झगड़े। तो ऐसे ही हम यहाँ पर एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि कहानी से क्या है कि हम यदि उस कैरेक्टर के अंदर यदि हम सही ढंग से उसको समझने की कोशिश करें तो शायद हमारे बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में फिट हो सकती है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो छोटी छोटी चीज़ों के इशू लेके, और सवाल ये उठता है कि जो छोटी छोटी चीज़ों पर जो पति पत्नी जो झगड़ते हैं उनको ये पता नहीं है कि जो हमारे जो बच्चे हैं उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि बच्चों के लिए जो आईना है वो उसके पेरेंट्स ही होते हैं, उसके माँ बाप ही होते हैं। तो कहानी है, तो ये कहानी भी मुझे भी किसी ने भेजी थी, तो इसलिए मैं आपको एज इट जैसे कि लिखी हुई है वैसे के वैसे मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगा। तो इसमें क्या है कि एक जो नौजवान पति पत्नी होते हैं उनमें आए दिन झगड़ा मतलब होता रहता है किसी भी चीज़ को लेके। एक तो क्या है कि एक ईगो भी रहता है, तो उनकी जो वार्तालाप है उसको मैं आपके सामने एज इट यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। तो इसमें है, कभी कभी भी इस लड़ाकू औरत से मैं बात नहीं करूँगा, पता नहीं समझती क्या है खुद को। जब देखो झगड़ा, सुकून से रहने नहीं देती। बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल गया तो नज़दीक के चाय के स्टॉल पर पहुंचकर चाय ऑर्डर की और सामने रखे स्टूल पर बैठ गया। इतनी सर्दी में बाहर चाय पी रहे हो, तो उसने उसको आवाज़ आई साइड से, तो उसने देखा, तो उसने गर्दन घुमाकर देखा तो साथ के स्टूल पर बैठे बुजुर्ग उससे मुखातिब थे। तो आप भी तो इतनी सर्दी और इस उम्र में बाहर है, तो नौजवान ने उससे, जो बुजुर्ग वहाँ पर थे, जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन किया, उससे प्रश्न किया, तो उसने उससे कहा कि आप भी तो इतनी उम्र के अंदर यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं। तो ये देखिए कि जो बुजुर्ग वहाँ पर जो सज्जन थे, तो उन्होंने उससे कहा, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी इस दुनिया के अंदर चाहे वो संत महात्मा या मोटिवेटर जो भी है, उनके किसी भी इंसान को समझाने का एक बहुत ही तार्किक ढंग होता है। तो यहाँ पर अब दोनों लोगों के बीच में बात चलेगी, नौजवान और बुजुर्ग, तो उसको मैं एज इट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ यहाँ। तो बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मैं निबट अकेला, न कोई गृहस्थी न कोई साथी, तुम तो शादीशुदा लगते हो, तो पत्नी घर में जीने नहीं देती, हर समय चिक चिक बाहर न भटकू तो क्या करूँ। गर्म चाय के घूंट अंदर जाते ही दिल की कड़वाहट निकल पड़ी। तो ये नौजवान ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। बुजुर्ग अब थोड़ा संजीदा होकर बोले, तो उन्होंने क्या बोला कि पत्नी जीने नहीं देती, बरखुरदार, जिंदगी ही पत्नी से होती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, जब उन्होंने कहा कि पत्नी जीने नहीं देती, बरखुदार, जिंदगी ही पत्नी से होती है। 8 बरस हो गए हमारी पत्नी को गए हुए, बुजुर्ग ने ठंडी सांस के साथ अपनी वेदना छलकाते हुए कहा, जब जिंदा थी कभी कदर नहीं की, आज कमबख्त चली गई तो भुलाई नहीं जाती। घर काटने को होता है, बच्चे अपने अपने काम में मस्त हैं। अब उन्होंने बुजुर्ग ने अपनी बात को जारी रखा, आलीशान घर है, धन दौलत है, सब कुछ है, पर उसके बिना कुछ मज़ा नहीं है। यूं ही कभी नहीं, कभी कहीं भटकता रहता हूं। इसमें देखिए कई बार क्या होता है कि कोई भी जो इंसान है उसके जीते जी हम उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, जब वो जाता है तब उसकी हम कमी महसूस करते हैं, तो कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके जाने के बाद पता चला वो तो धड़कन थी। अब देखिए मैंने एक लाइन यहाँ पर जोड़ी थी कि कोई भी इंसान जब जीते जी उसकी हम कदर नहीं करते, जब इस दुनिया से चला जाता है तब उसकी हमें अहमियत का पता चलता है। तो ये जो बुजुर्ग वहाँ पर थे वो अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, उसके जाने के बाद पता चला वो धड़कन थी, मेरे जीवन की ही नहीं मेरे घर की भी, सब बेजान हो गया। बुजुर्ग की आंखों में दर्द और आंसुओं का समंदर था। उसने चाय वाले को पैसे दिए, नज़र भर बुजुर्ग को देखा, एक मिनट
गंवाए बिना घर की ओर मुड़ गया। जब उसने पत्नी का इंपॉर्टेंस बताया बुजुर्ग ने, उस नौजवान ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना और जैसे ही उसने उसको पैसे दिए और तुरंत वो अपने घर की ओर मुड़ गया। तो अब वहाँ पर अब वो जाता है नौजवान अपने घर की तरफ, तो चिंतित पत्नी दरवाजे पर ही खड़ी थी। कहाँ चले गए थे आप, जैकेट भी नहीं पहना, ठंड लग जाएगी। तो ये पत्नी थी जो कि अपने पति की चिंता कर रही थी। तो फिर उसने पति ने उसको कहा, नौजवान ने, तुम भी तो बिना स्वेटर के दरवाजे पर खड़ी हो। दोनों ने आंखों से एक दूसरे के प्यार को पढ़ लिया। जिंदगी कैसी है, पहले तो रुलाए कभी यहाँ से। तो हमने एक बहुत ही छोटी सी कहानी इस शेयर की, क्योंकि आज हम देखते हैं कि सबसे पहली बात है कि हम जो है पति पत्नी, वो जिंदगी के अंदर जब हम शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, तो कई बार ये भूल जाते हैं कि हमारी जो लाइफ है उसका सीधा सीधा असर बच्चों के ऊपर पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा मेरी लाइफ का भी यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा कि जो मेरी जो धर्म पत्नी है, मैं तो एक मतलब मेरा गांव जोल है और जिला टोड़ा भी और सॉरी गांव जोल है और तहसील टोड़ा भी में और जिला करौली है, राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो बिल्कुल ठेठ गांव का हूँ मैं और ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ, बहुत ही गरीब परिवार से, और मेरे घर तो टूटे फूटे भी हैं। तो आप देखिए कमाल की बात, जो मेरी जो शादी हुई जयपुर से हुई, बहुत ही एक शानदार खानदान से हुई, जो कि उसका पूरा परिवार हाईली एजुकेटेड है, अच्छे अच्छे नौकरी पे, उनके भाई एक BGM है, XCN है, और उनके जो पिताजी हैं वो भी अच्छी सर्विस करते हैं। लेकिन जो मेरी धर्म पत्नी है, उसने कभी भी न तो मेरे से न अपने घर वालों से कभी शिकायत नहीं की। तो उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया मेरी ज़िंदगी के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे घर वालों के साथ। और ये देखिए कि हमारे घर के अंदर उसकी बहुत ही मतलब बड़ी इज्जत है, उसके बहुत ही मतलब पूरे परिवार का अपन यदि ये कहें कि वो नंबर भाव की उसने पोजीशन प्राप्त कर रखी है, तो कहने वाले एडजस्ट होता है, तो मियाँ बीवी का जो सामंजस्य होता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप कभी भी, यू आर मोस्ट वेलकम इन माई होम, कभी भी आप देख सकते हैं। और घर में आने से पहले आप चाहे तो आस पड़ोसी से पूछ सकते हैं। आज 19 साल हमें शादी को हो गए, लेकिन कभी भी कोई भी किसी टाइप का हमें मनमुटाव नहीं है। तो इसमें बच्चों के ऊपर सीधा सीधा असर पड़ता है। तो मैंने एक छोटी सी एक स्टोरी के माध्यम से जो वार्तालाप थी उसको मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी अनमोल प्रतिक्रियाएँ दें, और मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल के बटन को दबाएं। तो मैं हर बार की तरह एक मेरी मोटिवेशन बुक है ये, जिसको मैं शेयर करता हूँ। जहाँ भी मैं मोटिवेशन स्पीच देने जाता हूँ, इसको मैं निःशुल्क देता हूँ। तो इसको आप मुझसे प्राप्त करने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मैं हज़ारों की तादाद में पूरे देश भर में दे चुका हूँ। आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घर के जो बगीचा है, इसमें थैंक यू सो मच।